ओके स्टूडेंट्स, तो जब हमारे पास कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रोब अंदर एंटर होता है हमारे पास टीयर करने के बाद, सेल के टिश्यू का टीयर करने के बाद जब वो एंटर होता है तो वो जाके क्या करवाता है, हमारे पास टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज करवाता है, ठीक है, जिनको हम कहते हैं टॉक्सिन्स। ठीक है, ये टॉक्सिन्स फिर क्या करते हैं, हमारे पास ये पैरेन्काइमल सेल्स मैंने ड्रॉ किए हुए हैं, पैरेन्काइमल सेल्स, ठीक है, और ये बड़े हमारे पास मास्ट सेल्स, लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस। ठीक है, ये हमारे पास क्या सारे हैं, ये हमारे पास मैंने आपको बताया था कि स्पोटिक सेल्स होते हैं जो कि हमारे पास क्या हैं, तो हमारे पास अगर हम किसी टिश्यू की बात कर रहे हैं तो हमारे पास मास्ट सेल्स, लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस, और इसी तरह ल्यूकोसाइट्स और वाइट ब्लड सेल्स, वो सारे ब्लड से आते हैं। तो ये वाले हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इसकी न्यूरोग्लायल सेल्स हैं। आई एम सो सॉरी, न्यूरोग्लायल सेल्स मैंने बोल दिया, ये हमारे पास ग्लायल सेल्स हैं। किसके, यानी हमारे पास स्टोमल सेल्स हैं, हमारे पास अगर स्किन में इन्फेक्शन होता है तो इसको, ये हमारे पास पैरेन्काइमल सेल्स हैं। तो जो टॉक्सिन्स होते हैं, ये टॉक्सिन्स क्या करते हैं, टॉक्सिन्स हमारे पास पैरेन्काइमल सेल्स पे और ग्लाइल सेल्स पे दोनों पे एक्ट करते हैं और क्या करवाते हैं, इनको एक्टिवेट करा देते हैं। जब ये एक्टिवेट होंगे, हमारे पास मास्ट सेल्स, लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस, ये सारे जब एक्टिवेट होते हैं तो ये हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस रिलीज़ करवाते हैं। ठीक है, वो सब्सटेंसेस जो हमारे पास रिलीज़ हो रही होती हैं मास्ट सेल्स में से, लिम्फोसाइट्स में से, मैक्रोफेजेस में से, यानी टॉक्सिन्स के, जो टॉक्सिन्स हैं बैक्टीरिया ने जो रिलीज़ किए हैं उनके हमारे पास काउंटर इफेक्ट, उनके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए हमारे पास जो ग्लाइल सेल्स और पैरेन्काइमल सेल्स हैं इनमें से क्या होते हैं, कुछ हमारे पास सब्सटेंसेस रिलीज़ होती हैं। उन सब्सटेंसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ये क्या है, मीडिएटर्स हैं। क्या करवाते हैं, ये क्या है, मीडिएटर्स हैं। किस चीज़ के मीडिएटर्स हैं, इन्फ्लामेशन के। तो इन्फ्लामेशन के मीडिएटर्स रिलीज होते हैं हमारे पास न्यूरोग्लायल सेल्स में से और पैरेन्काइमल सेल्स में से, जब वो किसके साथ, टॉक्सिन्स जो बैक्टीरिया में से निकलते हैं, जो बैक्टीरिया टॉक्सिन्स रिलीज़ करवाता है जब वो एक्ट करते हैं पैरेन्काइमल सेल्स पे और ग्लाइल सेल्स पे, खासतौर पे मास्ट सेल्स, लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस पे, तो वो क्या करवाते हैं, हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस रिलीज़ करवाते हैं जिनको हम क्या कह देते हैं, इन्फ्लेमेशन मीडिएटर्स। द क्वेश्चन इज़ कि इन ये इन्फ्लेमेशन मीडिएटर्स क्यों होते हैं, ये इन्फ्लेमेशन मीडिएटर्स इसलिए, इसके नाम से ही जाहिर है, मीडिएटर है, इसलिए इनिशिएट करवाना होता है इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस को। ठीक है, तो ये क्या करवाते हैं, ये सब्सटेंसेस जिसमें हिस्टामाइन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स आ जाते हैं, ठीक है, साइटोकाइन्स आ जाते हैं, ल्यूकोकाइन्स आ जाते हैं, ये सारे क्या करवाते हैं, ये मीडिएटर्स हैं इन्फ्लेमेशन के। ठीक है, तो इन्होंने आगे हमारे पास वेस्कुलर चेंजेस लेके आनी होती हैं हमारे पास किसके अंदर, टिश्यू के अंदर जिसमें इन्फ्लामेशन हो रही है, तो वो हम आगे जाके पढ़ते हैं।